आज हम लोग इसके पहले वाला क्लास में आपको बताया गया था 100 टाइप्स और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन विद आंसर। आज बता रहे हैं इंपॉर्टेंट लॉन्ग टाइप क्वेश्चन, जो किस ढंग से आपसे पूछता है, किस टाइप से पूछेगा देख लीजिए। आज जैसे 1 का ए नंबर है स्टेट एंड टू फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अलजेब्रा। फंडामेंटल थ्योरम कहता क्या है, जितना रूट होगा उतना फैक्टर होगा, देख लीजिएगा। बी नंबर फॉर्म द इक्वेशन विथ रेशनल कोफिशियंट विच हैव द टू रूट्स, टू ऑफ इट्स रूट्स कितना अंडर रूट 3 और 2 प्लस 8। तो यानी कि अगर देखा जाए, एक अगर अंडर रूट 3 है तो दूसरा क्या होगा, माइनस अंडर रूट 3। अगर एक 2 प्लस 8 है, दूसरा क्या होगा, 2 माइनस 8 होगा ना, यानी 4 रूट्स हो गया। तो 4 फैक्टर कर दीजिएगा, अब मल्टीप्लाई करके जो भी क्वेश्चन आएगा वही आपका आंसर हो जाएगा। या जान ले गया कि 1√3 है, क्या होगा माइनस रूट 3, कंजुगेट होता है, हमेशा क्या होता है, कंजुगेट होता है। डिस्कार्ड्स रूल ऑफ साइन है ना, आता है डिस्कार्ड्स रूल ऑफ साइन, डिस्कस किए थे हम लोग ना, इनको इसका कंडीशन था, ड्रॉप करवा दीजिएगा। यूजिंग डिस्कार्ड्स रूल ऑफ साइन अब फाइंड द नेचर ऑफ द इक्वेशन। देखिए रूल ऑफ साइन तो निकाल लेते हैं कि मैक्सिमम पॉजिटिव रूट्स, मैक्सिमम नेगेटिव रूट्स और मिनिमम कॉम्प्लेक्स रूट्स, ये निकालते थे। और फिर उसको हम लोग डिस्कस करते हैं नेचर के बारे में कि फंक्शन में नेगेटिव टर्म पॉजिटिव रखा जाए चाहे नेगेटिव रखा जाए तो क्या होता है। इसे माइनस इन्फिनिटी रखेंगे तो क्या हुआ, इन्फिनिटी रखेंगे तो क्या हुआ, जीरो होगा तो क्या हुआ। मैं 3 टर्म में हम लोग पार्ट में बांटते हैं और उसका नेचर जानने की कोशिश करते हैं, उसी तरह निकालना है आपको। फाइंड द कंडीशन डेट द रूट्स ऑफ द इक्वेशन इतना है ना, आर कुछ नहीं दिया हो ना, यहाँ पर लिख दीजिए आर इन एपी है ना, आर इन एपी कहते हैं, एपी जीपी एपी तीनों होता है इसका। सोल्व द इक्वेशन इतना टू ऑफ द इट्स रूट्स बी इक्वल, सोल्व करना है 3 रूट्स होगा अल्फा बीटा गामा, लेकिन 2 इक्वल है तो हम सकते हैं अल्फा अल्फा और बीटा 2 इक्वल बनना है। सिंपल कंडीशन तीनों लगा दीजिए, इसके 3 क्यूबिक है तो 3 कंडीशन होगा, तीनों कंडीशन में 35 के बाद देगा आपको, निकाल देगा वैल्यू को। 4 का ए फाइंड द कंडीशन डेट द इक्वेशन और बाई क्वाड्रेटिक क्वेश्चन दिया हुआ है ना, x^4 + px^2 + q^2 + rs + s = 0 मे बी इन जीपी में है तो कंडीशन निकालिए ना। सोल्व द इक्वेशन 6x^(-11)^2 - 6x - 1=hp, रूट्स किस में हो, एच पी में हो। तो हम ऐसा क्वेश्चन दिए हैं कि आपको तीनों के तीनों हो गया ए पी जी पी एच पी ना। अब 5 का ए फाइंड द कंडीशन डेट द, देखिए क्या होता है एग्जाम में न्यूमेरिकल आपको इसी टाइप का आएगा, इससे ज़्यादा कुछ नहीं आता है, हम ए पी का दे ही दे रहे हैं, जी पी का दे रहे हैं और एच पी का भी दे रहे हैं, तो अंक डिजिट चेंज होता है लेकिन आपका फॉर्म जो है सब सेम रहेगा आपके बनाने का, जितना बता रहे उससे ज़्यादा फॉर्म आपके एग्जाम में नहीं जा रहा है। हैव टू रूट्स कनेक्टेड बाय द रिलेशन α + β = 0, यह बाय क्वाड्रेटिक क्वेश्चन है। अब बोलता है कि कंडीशन निकालिए इस पर कनेक्ट क्या होना चाहिए, α + β = 0, अगर α + β = 0 है तो इसे γ + δ निकल जाएगा। जब α + β मालूम हो है ना, α × β मालूम हो, एक और था बताया था इसी में कंडीशन था कि अगर α + β मालूम हो, α × β मालूम हो, तो एक इक्वेशन तैयार हो जाएगा किसका, क्वाड्रेटिक क्वेश्चन का है ना। एक γ + δ मालूम हो जाएगा इससे आपका, अब γ × δ मालूम कर लीजिएगा किससे, पॉइंट निकाल करके, तो क्या होगा ई भी मालूम रहेगा, ये मालूम रहेगा तो आप कंडीशन बोल सकते कि α = 0 के लिए कंडीशन होगा। मैंने करते क्या कंडीशन में, जो रूट्स एंड कोफिशिएंट का रिलेशन जो है क्या करते हैं हम लोग, कोफिशिएंट के रूप में ले आते हैं तो ही कंडीशन बन जाता है ना। सोल्व द इक्वेशन इतना 4x^4 28x³ + 51x²-7x - 20 = √ae, रूट्स कितने हो, ए पी में हो। तो इसको सॉल्व करना आपको, तो हम कितना लिए 5 क्वेश्चन, देखिए 5 को इसमें एग्जाम में आता है आपका 7 क्वेश्चन है ना, टोटल लाभ आपको हम लगभग
10 क्वेश्चन देने की कोशिश करेंगे, कहीं 10 क्वेश्चन ही प्रैक्टिस कर लेते हैं तो इसे ज़्यादा एग्जाम में नहीं आता, इसी फॉर्म में नहीं आ गया आपका। देखिए 5-6 नंबर, ए नंबर, डिफाइन साइमेट्रिक फंक्शन एंड कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ द फंक्शन। ये सब क्या साइमेट्रिक फंक्शन है, इसमें सिग्मा अल्फा स्क्वायर बीटा, सिग्मा अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर होता है, सिग्मा बीटा स्क्वायर पर गामा स्क्वायर बटे इतना, चाहे सिग्मा अल्फा स्क्वायर सिग्मा अल्फा की तो छोटा छोटा पॉइंट है ना, निकाल कर प्रैक्टिस कर लीजिएगा। बी नंबर कहता है कि इफ अल्फा बीटा गामा बी द रूट्स ऑफ इक्वेशन इतना इक्वल टू जीरो, फाइंड द वैल्यू ऑफ बीटा प्लस गामा माइनस अल्फा का होल स्क्वायर, गामा प्लस अल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वायर, अल्फा प्लस बीटा माइनस गामा का होल स्क्वायर, इसका वैल्यू निकालिए एंड समेशन ऑफ अल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वायर का वैल्यू निकालिए। ये भी साइमेट्रिक सही था। 7 का ये नंबर है, स्टेट प्रूफ न्यूटन थ्योरम किसका, ऑन द सम ऑफ द पावर ऑफ द रूट्स। देखे होंगे कि सबका पावर कितना, अल्फा पावर 9 बीटा पावर 9 चाहे अल्फा पावर 10, सबका पावर जो सेम होता है, जिसको हम लोग यहाँ पर न्यूमेरिकल के रूप में दिखाए हैं कि अल्फा बीटा गामा विद द रूट्स ऑफ इक्वेशन इतना एस की प्लस 3s प्लस 9 बराबर 0, फाइंड द वैल्यू कितना अल्फा के पावर 9 बीटा पावर 9 गामा पावर 9, इसको एस 9 भी बोल सकते हैं। क्योंकि ऐसा भी आता है अल्फा पावर 5 प्लस बीटा पावर 5 प्लस गामा पावर 5 के वैल्यू निकालिए, या एस 5 के मान निकालिए। तो कभी कभी देखा कि एस 1 एस 2 एस 3 एस 4 एस 5 में कोई रिलेशन दे रहता है ना, एस 1 एस 2 एस 3 एस 4 है ना, इस टाइप का। एस 1 क्या है, सम ऑफ रूट्स, एस 2 क्या है, सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ रूट्स, स्क्वायर का सम। एस 4 मतलब क्या, सब जगह 4 होगा। एस 3 मतलब क्या, सब जगह 3 होगा। एस 9 मतलब क्या, सब जगह 9 हो गया। इस तरह से रिलेशन भी आ सकता है, तो बनेगा सब सेम, ये कुछ सीख लीजिएगा, सबके सब बन जाएगा आपका। 8 का ए नंबर, इफ अल्फा बीटा गामा विद द रूट्स ऑफ इक्वेशन कितना, रूट्स आर बीटा प्लस गामा, गामा प्लस अल्फा, अल्फा गामा अल्फा प्लस बीटा दिया हुआ है ना। यहाँ पर एक चीज़ छूट गया मेरा है ना, यहाँ पर रूट्स ऑफ द इक्वेशन, यहाँ इक्वेशन कुछ मान लेते हैं है ना, से मान लिया कि यहाँ इक्वेशन दिया हुआ एस क्यू प्लस पी स्क्वायर प्लस क्यू एक्स प्लस आर बराबर जीरो, इस तरह का इक्वेशन दिया हुआ है ना, तब पॉसिबल है, बिना इक्वेशन का तो पॉसिबल है ही नहीं। तो इस तरह का इक्वेशन अल्फा बीटा गामा क्या है, रूट्स ऑफ इक्वेशन इतना हो गया, हुज रूट्स आर है ना, एक ऐसा इक्वेशन निकालिए जिसका रूट्स बीटा प्लस गामा, गामा प्लस अल्फा, अल्फा प्लस बीटा हो, एंड हैज फाइंड है ना कितना, बीटा प्लस गामा, गामा प्लस अल्फा, अल्फा प्लस बीटा, यानी प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। तो ऐसा इक्वेशन निकालना होगा जिसका रूट्स होगा अल्फा प्लस बीटा, फाइंड द इक्वेशन हुज रूट्स आर, यही सत्य है कि इफ अल्फा बीटा गामा बी द रूट्स ऑफ द इक्वेशन एस क्यू प्लस पी स्क्वायर प्लस क्यू एस प्लस आर बराबर जीरो, तो फाइंड द इक्वेशन, फाइंड द इक्वेशन हुज रूट्स आर बीटा प्लस गामा, गामा प्लस अल्फा, अल्फा प्लस बीटा, ऐसा हो, एंड हैज फाइंड प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। मान लिया कि इस रूप में निकालना है, इस रूप में किसी का हम वाई मान लेंगे है ना, और उस तरह से हम ऐसा क्वेश्चन तैयार करेंगे जिसका रूट्स ये सब हो, तो उसका प्रोडक्ट पूछा है तो प्रोडक्ट ऑफ रूट्स निकाल लीजिएगा। बी नंबर, ट्रांसफॉर्म द इक्वेशन एस की प्लस एस पावर 4 प्लस 8 एस की प्लस एस माइनस 5 बराबर 0 इनटू इन विच द सेकंड टर्म, सेकंड टर्म इज मिसिंग। कभी क्या होता है, सेकंड टर्म मिसिंग बोलेगा, सेकंड टर्म ऑफसेट बोलेगा है ना, रिमूव सेकंड टर्म बोलेगा है ना, इस तरह से सेम टू सेम बनेगा सब आपका, एक बना लीजिए सब बन जाएगा। 9 का ए, अल्फा बीटा गामा विद द रूट्स ऑफ इक्वेशन इतना, तो फाइंड एक जनरल इक्वेशन निकालना है, जनरल ट्रांसफॉर्मेशन रूट्स कितना हो, इतना हो, चाहे तो किसी एक को मानना है, किसी एक को यहाँ पर वाई मान लेंगे और उसी के एक वाई के अकॉर्डिंग है ना टर्म में क्या होगा, एक इक्वेशन तैयार हो जाएगा जिसका रूट्स ये सब होगा। किसी एक को मानना है, कोई भी जनरल रूट्स दिया हुआ है 3 टर्म में 4 टर्म में, और उसका एक को मान करके आप इक्वेशन को ट्रांसफर कर सकते हैं। फाइंड द इक्वेशन हुज रूट्स आर q
कीप्स ऑफ द रूट्स ऑफ इक्वेशन, इतना इक्वेशन तैयार किया गया। एक ऐसा इक्वेशन निकालिए इसका मान लीजिए रूट अल्फा बीटा गामा है, तो एक ऐसा इक्वेशन निकालिए इसका रूट अल्फा की बीटा की और गामा की हो, निकाल सकते हैं। स्क्वायर में पूछ सकता है, स्क्वायर में हो तो स्क्वायर लिखेंगे ना। टू रिड्यूस द क्यूबिक इक्वेशन इतना, इंट कितना है जेड क्यू प्लस थ्री एच जेड प्लस जी बराबर जीरो। मैंने क्यूबिक इक्वेशन को क्या किए हैं, ट्रांसफर किए हैं। क्यूबिक इक्वेशन है, देखिए सेकंड टर्म क्या रिमूव किया गया है ना, इस तरह ट्रांसफर करने के भी कभी कभी आता है। सोल्व द इक्वेशन बाय कार्डन मेथड, कार्डन मेथड के माध्यम से सोल्व करना आपको। जब कोफिशिएंट हमेशा वन लेते हैं, मान लीजिए यहाँ पर कोफिशिएंट 18 या कुछ और कोफिशिएंट हो, एक्स बराबर वन बटे वाई करके बनाएंगे और ट्रांसफर कर देंगे ताकि आपको बनाने में सुविधा हो, क्योंकि इसका बनाने के लिए कंपेयर करते हैं इसके साथ है ना, इसी फॉर्म में आ जाए तो आपका लिए अच्छा रहेगा। डिस्कस कार्ड, अगर मान लें कि इसमें सेकंड टर्म में दिया हुआ तो क्या करना होगा, सेकंड टर्म को रिमूव करके इस फॉर्म में लाना पड़ेगा। डिस्कस कार्डन मेथड फॉर सॉल्विंग द क्यूबिक इक्वेशन है ना, डिस्कस करना कहते हैं कार्डन मेथड को है ना सॉल्व करने के लिए है ना। इसका नेचर दिखा दीजिएगा, सोल्व एस क्यू माइनस 9x प्लस 28 बराबर जीरो, इसको सोल्व करना है कार्डन मेथड से। या ऐसा हो चाहे या अथवा में दिया रहता है डिस्कस स्ट्रॉन्ग थ्योरम एंड एक्सप्लेन विथ एग्जाम्पल है ना, स्टेट प्रूफ स्ट्रॉन्ग थ्योरम भी होता है उसका एक्सप्लेन, ये बता दें कि स्ट्रॉन्ग थ्योरम का है ना यूट्यूब पर आपको डाल दिया गया है ना, और इसका हम कुछ एक्सप्लेन भी कर दिए हैं, कुछ एग्जाम्पल भी दिए हैं, तो एग्जाम्पल जरूर कर लें, क्योंकि डिस्कार्ड रूल में केवल आपको नेचर दिखाता है कि पॉजिटिव होगा कि नेगेटिव होगा, और यह जो स्ट्रम थ्योरम है यह आपको दिखा देता है किसके किसके बीच में होगा, यह भी आपको साबित करता है स्ट्रम थ्योरम, एक बार जरूर देख लीजिएगा इसको है ना। और इसके साथ ही आपका इस तरह से लॉन्ग टाइप क्वेश्चन आपको कुछ इंपॉर्टेंट आपके बीच में रखे हैं है ना, इसको प्रैक्टिस कर लेते हैं तो आपके लिए एग्जाम में हेल्प मिलेगा।